असलम आई एम डॉक्टर सामिया जमील एंड आई एम गोइंग टू मेक माई सेकेंड वीडियो ऑन गेस्ट यू एंट्रोलॉजी रेडियंट नोट्स एफ सी पी पल्स बायरफ्योला लास्ट वीडियो में हमने सेवेंटी एट पॉइंट तक कवर किया था अब हम सेवेंटी नाइन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सेवेंटी नाइन पॉइंट में वो कहता है कि मेन एक्शन ऑफ गट्स मेटोस्टेटन जो होता है इस डोमेनली इनबिट द सी सी के अब आपने याद रखना है कि जो हमारे पास गट्स मेटोस्टेटन होता है वो सी सी के को भी इनहिबिट करता है और साथ में गेस्ट्रीन को भी इनहिबिट करता है लेकिन अगर एम में दोनों ऑप्शन आ रही हों सी सी के और गैस्ट्रिन तो आपने सी सी के को ऑप्ट करना है लेकिन ये भी साथ में याद रखना है कि ये गैस्ट्रिन को भी हमारे पास जो है ये इनहिबिट कर रहा होता है ये था हमारे पास गट्स मेटोस्टेटिन अब अगर पेंक्रियाटिक्स मेटोस्टेटिन की बात करें तो ये पेंक्रियाटिक सिक्रीशन जो होती हैं हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागन उन दोनों को इनहिबिट करता है नेक्स्ट पे कहता है कि गट्स मेटोस्टेटिन जो है ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन एंड सीसीके को लेकिन आपने याद रखना है सीसीके को ये ज़्यादा इनहिबिट करता है देन गैस्ट्रिन नेक्स्ट पे कहता है मेन एक्शन ऑफ द गैस गट्स मेटोस्टेटिन इज टू मेनली इनहिबिट द सीसीके द मोस्ट इंपोर्टेंट इनहिबिटर ऑफ द इंसुलिन इज सोमैटोस्टेटिन अब ये हमारे पास जो है पेंक्रियाटिक सोमैटोस्टेटिन uh, जो है ये इनहिबिट कर रहा होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को नेक्स्ट पे कहता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ गिविंग स्मेटोस्टेटिन इन पेंक्रियाटिक फेस्टूला डिक्रीज कर देता है सिक्रीशन को बेसिकली जो हमारे पास पेंक्रियाटिक फेस्टूला होता है अगर हमारे पास पेंक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्रीज़ हो गई हो इंसुलिन और ग्लूकागोन तो हमारे फेस्टूला के थ्रू वो उनकी जो सर्कुलेशन है ब्लड में इंक्रीज हो जाती है और जो हमारे पास मेटोस्टेटिन है तब हम पेशेंट को देते हैं तो वो हमारे पास पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देता है जो ग्लूकोज इन इंसुलिन है इसकी वजह से अगर फेस्टूला बन भी गया तो पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में कम जाती है नेक्स्ट पे वो बात करते हैं एंड एसिड्स की कहते हैं डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी करते हैं जो उन्हें कहते हैं एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड अब एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को और कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन बेसिकली ये डिक्रीज कर देता है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन जीआईटी डिक्रीज करता है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन जीआईटी को एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड और वहां पे कॉन्स्टिपेशन करा देता है वाइल द मैग्नीशियम इंक्रीजेस द मोटेलिटी कॉजेस द डायरिया और मैग्नीशियम जो है ये इंक्रीज करा देता है हमारे पास बॉल मूवमेंट्स और बॉ मूवमेंट्स इंक्रीज कराने पे ये क्या करा देता है डायरिया क्योंकि बॉल मूवमेंट्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा फीसिस आएगा नेक्स्ट पे कहते है है ड्रग ड्रग कौन सी जो है जिसे required नहीं होते receptor act करने के लिए वो भी हमारे पास aluminium hydroxide है। और आपने याद रखना है कि हमारे पास जो एलोमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन कराती है और जो मैग्नीशियम है वो हमारे पास डायरिया कराती है नेक्स्ट पे एटी वन पॉइंट है ट्वेंटी फोर ईयर मेल प्रजेंटेड विद दिस्ट्री ऑफ द for the last 10 years initially for the solid then for the liquids he lost 30 kg in the last 3 year what is the investigation required that is the endoscopy basically agar uh, investigation ka ye na puche aur ye hame puche ki scenario kis cheez ka hai to wo aapne hamesha yaad rakhna rakhna hai carcinoma related hai जब हमारे पास होता है ना पहले dysphagia to the solids और उसके बाद होता है liquids को तो वो सीए related होता है लेकिन अगर वो कहें मतलब आपने याद रखना है कि अगर सॉलिड्स को पहले हुआ है लिक्विड से तो हमारे पास सी ए रिलेटेड होगा कार्सिनोमा होगा और लेकिन अगर लिक्विड्स को पहले हुआ है तो वो हमारे पास एकजिया होगा ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है याद रखने के लिए और इसके अलावा इसमें साथ में लॉस्ट ऑफ थर्टी के जी भी कह रहा और वेट लॉस एक्लेजिया का फीचर नहीं है वेट लॉस हमेशा हमारे पास कार्सिनोमा का फीचर होता है नेक्स्ट पे हम टेबल देख लेते हैं इसमें है। उसने निमानिक बताया प्लमर डाइज डाइज में डी इज फॉर फॉरफेगिया आयरन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी एनीमिया आई फॉर आयरन एनीमिया ई फॉर ईसोफेगियल वेब्स आपने याद रखना है प्लमर विल्सन सेंड्रोम का निमानिक है हमारे पास डाई इसमें डी होता है डिसफेगिया आई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ई इज़ फॉर ईसोफेगियल वेब्स अगर आपको ये फीचर नजर आ जाए तो आपने फौरन प्लमर सेंड्रोम की ऑप्शन ऑप्ट करनी है नेक्स्ट पे हमारे पास गर्ड है अगर वो हमें पूछे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो गर्ड की वो होती है तो आपने वो भी लिखनी है एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द गर्ड नेक्स्ट पे पॉइंट देख लेते हैं कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ द गेस्ट्रिक कंटेंट इन टू द लोअर ईस ऑफिग बिकॉज ऑफ इनकम लोअर ईसोफिगल स्विंगटर इसमें डिक्रीज हो जाती है लोअर ईसो फिग स्विंगटर की टोन जिसकी वजह से जो हमारे पास आ, फूड है वो वापस स्टोमिक से ऊपर आना स्टार्ट कर देती है बेसिकली हमारे पास लोअर ईसोफेगस स्वेंगटर जो है वो स्टॉमिक में ओपन हो रहा होता है यहाँ पे होता है हमारे पास लोअर ईसोफेगल स्विंगटर अगर ये प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा होता ना तो ये होता है कि यहाँ से स्टॉमिक से फूड वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है जिससे हम कहते हैं कि गर्ड हो रहा है पेशेंट को इसमें लोअर ईसोफेगल स्वेंगटर की जो टोन है वो हमारे पास कम हुई होती है नेक्स्ट पे कहता है ट्वेंटी फोर और पी एच मोनीटरिंग मोस्ट है यहाँ पे पी एच मोनीटर कर सकते हैं ट्वेंटी फोर आवर में तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन uh, है जो हम गर्ड को देखने के लिए यूज़ करते हैं लेकिन अगर वो कहे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है तो आपने याद रखना है गर्ड की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हमारे पास एंडोस्कोपी नेक्स्ट पे एक लेजियर की बात करता है कहते हैं Uh, हो जाती है टोन, टोन डिक्रीज हो रही थी लेकिन इसमें इंक्रीज हो जाती है वो रिलैक्स ही नहीं होता मैं डिफेक्ट की वजह से और हाई लोअर ईसोफिगल स्विंकटर रिजल्टिंग इन प्रेशर और एसिस हो जाती है पहले वाले में ये हो रहा था कि गर्ड में जो स्टोमिक से फूड है वो ऊपर आ रही है ईसोफेगस में क्योंकि इसकी स्विंगटर की टोन कम हुई हुई है लेकिन अगर स्विंगटर की टोन ज़्यादा हो जाएगी ना हमारे पास तो ऊपर ईसोफेगस से फूड जो है वो नीचे ये वॉल ओपन ही नहीं होगा लोअर ईसोफेगस स्विंगटर तो फूड स्टोमिक में नहीं जा पाएगी ऊपर ही स्टे कर देगी तो पैरास्टालिक मूवमेंट जो है वो बंद हो जाएगी विच लीड टू द प्रोग्रेसिव डिसवेगिया टू द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स इसकी वजह से सॉलिड और लिक्विड्स जो हैं वो नीचे नहीं मूव कर पाते उनका डिसवेगिया हो जाता है वाइल इज ऑब्सट्रक्शन ऑफ सॉलिड ऑनली देन मे प्रोग्रेस टू द लिक्विड डिसवेगिया एज वेल देन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कहते हैं बेरियम स्टडीज करते हैं इनमें हम एसोफीगल टर्मिनेट इन नैरोइंग एट द लोअर इसोफीगल सिंटर हो जाती है इसमें इसे हम कहते हैं बर्ड्स बीक अपियरेंस अब इसमें ये कहते हैं कि अगर हम स्टोमिक में देखें तो ऐसे करके बर्ड्स बीक अपियरेंस की तरह जाके इसोफेगस खुल रही होती है क्योंकि यहाँ पे इसकी स्विंक्टर की जो टोन है वो इंक्रीज हो गई हुई है तो जिसकी वजह से कंट्रेक्शन हुई हुई है तो ये बर्ड्स बीक अपियरेंस शो करता है उसके बाद मैनोमीट्री पे हम इसका जो है डेफिनेटिव डायग्नोसिस करते हैं अब वो अगर आपसे पूछे कि एक पेशेंट है वो चेस्ट पेन के साथ आया है चेस्ट पेन की वजह से आप कोई कार्डिक डिफेक्ट भी देख सकते हैं लेकिन आपने फर्दर फीचर देखते हैं साथ में वो कहे कि है का मतलब है खाना नहीं खाया जा रहा तो वो तो एम में नहीं होता तो हम चेस्ट पेन की तरफ से जाना शुरू कर देंगे स्टोमिक में और अगर वो कहे डिफिकल्टी इन ब्लेंचिंग है इन ब्लेंचिंग ब्लेंचिंग का मतलब ये होता है बेसिकली के जो हम खाने के बाद बर्ब करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो जो जी ट्रैक के अपर एरिया में एयर फ्री एयर इकट्ठी हो जाती है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है इसे कहते हैं कि ब्लेंचिंग हो गई है या बर्प हो गया लेकिन अगर डिफिकल्टी है एक पेशेंट जो है वो उसे चेस्ट पेन है साथ में डिस्फेकिया है और डिफिकल्टी इन ब्लेंचिंग है वो अपनी फ्री एयर बाहर मूव नहीं कर पा रहा तो हमेशा आपने याद रखना है कि वो एक्सिया होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ थी कि इसमें बर्ड बिग अपियरेंस जो होती है

तो कंटेनिंग गॉपलेट सेल एंड द कुलमनर सेल तो इससे हम कहते हैं कि प्ली प्लीमिलिग्नल कंडीशन हो गई है वहाँ पे स्पेशलाइज इंटस्टाइनल मेटोप्लेजिया हो जाता है क्योंकि इंटस्टाइन की जो एपीथीलीम होती है वो हमारे पास कुलमनर होती है लेकिन ईसोफेगस की स्कोमस एपीथीलीम होती है और अगर ईसोफेगस जो है वो लाइन हो जाए कुलमनर एपीथीलीम विद गॉपलेट सेल से तो वहाँ पर इंटस्टाइनल मेटोप्लेजिया हो जाता है और इसमें भी हमारे पास जो डायग्नोसिस होता है वो एंडोस्कोपी पे होता है एंडोस्कोपिक बायोप्सी पे लास्ट पे वो कहते हैं ईसोफेगियल कार्सिनोमा इसमें टिपिकली प्रेजेंट विद द प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया फर्स्ट टू द सॉलिड्स एंड देन लिक्विड्स आपने याद रखना है जब भी पहले सॉलिड्स का डिस्फेगिया हो बाद में लिक्विड का और साथ में वेट लॉस हो और पोअर प्रोग्नोसिस हो तो वो हमारे पास ईसोफेगियल कार्सिनोमा होगा लेकिन अगर डिसफेगिया पहले लिक्विड्स का हो फिर सॉलिड्स का हो और उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री ना हो चेस्ट पेन की हिस्ट्री हो सिर्फ और डिस्फेगिया की हो तो हम कहेंगे कि वो एक्लेसिया है लेकिन अगर वो कहे कि सॉलिड्स के लिए जो है वो डिफ़िकल्टी होगी गुजरने में प्रोग्रेसिव फेगियर टू द सॉलिड्स है साथ में वेट लॉस की हिस्ट्री दे दें तो वो हमेशा हमारे पास ईसोफेगियल कार्सिनोमा होगा और हमने ये सारे देख लिया अब हम नीचे एम कर लेते हैं मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर द गर्ड जो हमारे पास गर्ड के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है ये होता है ट्वेंटी फोर और पी एच मोनीटरिंग ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि ट्वेंटी फोर और पी एच मोनीटरिंग करते हैं हम और ये हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है इन गर्ड में लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर वो पूछे तो वो हमारे पास एंडोस्कोपी होती है उसके बाद कहते हैं पेशेंट प्रेजेंट विद अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द डिस्फेगिया टू द सॉलिड्स एंड हैर हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस अब दो फीचर्स आ गए हैं सॉलिड्स का डिसफेगिया और वेट लॉस है तो ये हमारे पास ईसोफेगियल सी ए होगा प्रोग्रेसिव डिसफेगिया ओनली टू द सॉलिड्स फिर अगेन बात आ रही है कि सॉलिड्स को पहले हुआ एंड द करेक्साइज ऑफ विच इज फॉलोइंग ईसोफेगियल सी ए याद रखना है सॉलिड्स को जो पहले होगा वो सी ए होगा और अगर लिक्विड्स को होगा तो वह एक्लेजिया होगा अब पेशेंट हैज़ हीमोग्लोबिन सिक्स ब्लड पिक्चर शो द टारगेट सेल अब याद रखना टारगेट सेल जो होते हैं ना हमारे पास आयरन डेफिशेंसी एनीमिया में होते हैं इसके अलावा माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया है अब माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हमारे पास आयरन डेफिशेंसी एनीमिया का फीचर है ये थोड़ा सा इरेलीवेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड लेकिन ये आपने याद रखना है कि अगर वो कहे कि टारगेट सेल है माइक्रोस्कोपिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है पेशेंट हैज़ फ़ीवर एंड डिस्फेगिया तो क्या है आयरन डेफिशेंसी अनिमिया नेक्स्ट पे कहते हैं ट्वेंटी सिक्स इयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद वीकनेस एंड द डिस्फेजिया हिज ब्लड टेस्ट शो एचपी फिर कम है एमसीवी भी कम है एमसीएचपी कम है तो टारगेट सेल भी है तो ये क्या होगा हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अ फीमेल कंप्लेन ऑफ पेन एंड ड्राइनेस ऑफ द आईज ड्राई माउथ पैरोटिड स्वेलिंग डिस्फेजिया चेस्ट एक्स रे शोज द फाइब्रोसिस ऑफ द लंग तो आपने याद रखना कि जो हमारे पास जॉर्जन सेंड्राम होता है ये आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सो सजार्जन सेंड्रोम में हमारे पास हमेशा ड्राइनेस के फीचर आते हैं ड्राई आईज हो जाएंगे ड्राई माउथ हो जाएगा और इसके अलावा डिस्फेकिया हो जाएगा फाइब्रोसिस ऑफ लंग हो जाएगा तो ये हमारे पास किसके फीचर्स हैं जॉर्जन सेंड्रोम के नेक्स्ट पे कहते हैं फिफ्टी फाइव ईयर फीमेल प्रेजेंटेड विद द फोर मंथ हिस्ट्री ऑफ द ब्लरिंग ऑफ वन Itching on both uh, the eyes. She also complained of the dysphagia, dryness of the mouth on examination, bilateral parotid swelling and fibroid mouth fissures. Chest x-ray shows peritonitis. The most likely diagnosis is Jordan syndrome. अगेन ब्लरिंग ऑफ यहा है हिस्ट्रीज की है इचिंग है अगर स्किन ड्राई हो जाती है ना तो उस पर इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है अगर कोई पेशेंट भी आपको ज़्यादा स्किन पे इचिंग की कंप्लेन कर रहा हो तो आप उसे ये भी कह सकते हैं कोई लोशन वगैरह लगाए क्योंकि ड्राई स्किन जो है इचिंग की तरफ लीड करती है और ड्राई स्किन डिस्फेक और ड्राइनेस ऑफ माउथ ये फीचर है हमारे पास जॉर्जन सैंड्रॉम देन कहता है डिसफेगिया अकर इन सेक्लेरोडर्मा अब हमारे पास डिसफेगिया जो है वो सेक्लेरोडर्मा में भी होता है लेकिन सेक्लेरोडर्मा के हमारे पास थोड़े से फीचर्स डिफरेंट होंगे नेक्स्ट पे कहता है अ लेडी विद द डिस्फेगिया एंड कंप्लेन दैट शी इज़ नॉट एबल टू टाइप ऑन द कीबोर्ड मतलब उसकी हाथों की कोई वीकनेस हो सकती है बट नो अदर जॉइंट प्रॉब्लम नोटेड शी हैज़ लॉस्ट हर रिंकल्स ओवर द फेस शी हैड डिवेलप ड्यू टू द एजिंग विस्ट टू ब्लूटूथ एजिंग तो ये हमारे पास है क्रैस सेंड्रोम अब क्रैस सेंड्रोम जो होता है ना इसके हम बेसिकली फीचर्स पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं इसमें सी से होता है कैल्सिनोसिस हो जाता है पेशेंट में कैल्सिनोसिस के अलावा आर से रेनॉर्ड फेनोमिन हो जाता है रेनॉर्ड फिन में ये होता है कि पेरीफ्रीज जो है ना वो ब्लू हो जाती है जब उन्हें ठंड लगती है ई से हमारे पास ईसोफेगियल डिसमोटेलिटी हो जाती है इसोफेगियल डिसमोटिलिटी हो जाती है क्रेस एंड रॉम में ऐसे हमारे पास सेक्लैरोडक्टली हो जाता है सेक्लेरटली में ये होता है कि हमारी जो फिंगर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है श्रिंक कर जाती हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक कर जाती हैं तो जिसकी वजह से सेक्लैरोडक्टली हो जाता है और इसके अलावा टेलेंजैक्टेजिया भी इसका एक फ़ीचर है जो टी से आता है क्रैस के टी से टेलेंजैक्टेजिया तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे पास

स्केमो कुलमनर जंक्शन टू सेंटीमीटर अब अब बेसिकली हमारे पास जो एपिथीलियम थी वो स्केमस लेकिन अगर वहां पर स्केमोन बन गया तो वहां पे क्या हुआ बैरट ईसोफेगस हो गया बैरट ईसोफेगस में मेटाप्लेजिया हो जाता है इसोफेगल वॉल का वो स्केमस से कुलमनर में चेंज हो जाती है उसकी एपिथीलियम पेशेंट है लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड एंडोस्कोपी शोड दोड द गॉबलेट सेल कोलमर सेट इस वही बात है कि यहाँ पे आ, जो है आ, मेटाप्लेजिया हो गया इंटरसटाइनल मेटाप्लेजिया हो गया तो ये हमारे पास किसका फीचर है बैरट ईसोफेगस का स्केमोकोलमनर एपिथीरियम प्री सेंटीमीटर अब द कार्डियड ऑफ द स्टोमिक डायग्नोसिस अगेन बेरोट इस एडीनो कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस डिवेल्प इन द बेरट ईसोफेगस अब जो हमारे पास बैरट ईसोफेगस है ना ये प्रोग्रेस कर जाता है एडीनो कार्सिनोम ऑफ द ईसोफेगस में याद रखना है कि हमारे पास बैरट ईसोफेगस जो है वो प्रोग्रेस कर जाता है इन एडीनो कार्सिनोमा ऑफ द ईसोफेगस बैरट ईसोफेगस इज एग्जाम्पल ऑफ द मेटाप्लेजिया और मेटाप्लेजिया के आगे फर्दर टाइप पूछे तो ये हमारे पास होता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया नेक्स्ट पे कहता है पेशेंट नॉन स्मोकर 40 पैक्स पर ईयर प्रेजेंट विद द इंक्रीजिंग रेट्रोस्टर्नल पेन प्रोग्रेसिव डिस्फेगिया वेट लॉस सर्वाइकल लिम्फ नोड एंड लार्ज चेस्ट इज क्लियर व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस तो कार्सिनोमा है बेसिकली अब वो स्मोकर है एक यहाँ पे ये फीचर है और इसके अलावा उससे जो है डिसफेगिया हो गया और वेट लॉस हो गया वेट लॉस की उसने हिस्ट्री दे दी है स्मोकर है लिम्फ नोड एंड लार्ज है तो हमेशा याद रखना है कार्सिनोमा रिलेटेड प्रॉब्लम है जहाँ भी वो वेट लॉस का फीचर दे देगा ना मोस्टली वो कार्सिनोमा रिलेटेड ही होगा क्योंकि उसमें बहुत बेसिकली डिस क्यों होता है पेरिस्टालसिस कम हो जाती है और पेरिस्टालसिस कब होती है कम जब हमारे पास जो लोअर ईसोफेग स्विंकटर है उसकी टोन ज्यादा हो जाती है ये हमने पीछे टेबल में पढ़ा है प्रोग्रेसिव डिस्कफेगिया ओनली टू द सॉलिड फूड अब जब सॉलिड को होगा तो याद रखना सी ए रिलेटेड होगा तो सी ए इसका आंसर है अ फीमेल गेम टू द इध द कंप्लेट ऑफ द चेस्ट पेन डिस्फेगिया वॉमिटिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्लेंचिंग अब ब्लेंचिंग ब्लेंचिंग मैंने आपको बताया बेसिकली क्या होता है बर्प होता है जब हम खाना खाते हैं तो जो फ्री एयर होती है वो थ्रू बर्पिंग जो है वो मूव कर जाती है आउटसाइड लेकिन अगर ब्लेंचिंग नहीं हो रही बर्प बर्प नहीं हो पा रहा तो वो किसका फीचर है मैंने आपको पहले भी बताया वो ईसोफेगल एक्लेजिया का फीचर है पीछे टेबल में क्लियर किया मैंने इन एक्लेजिया ऑफ द ईसोफेगर द लोअर ईसोफेगल एसोफेगस अब जो हमारे पास लोअर ईसोफेगस स्विंगटर होता है ना उसकी टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से मैंटेरिक फ्लैक्सिस जो है वो प्रॉपर वहाँ पे काम नहीं कर पा रहा होता है द गट ब्रेन स्टिमुलेशन फ्रॉम द मेटेरिक प्लेक्स थ्रू विच हार्मोन तो एसीटाइल्कोलिन से होती है अब हमारे पास जो मैंटेरिक प्लेक्सिस है उसकी स्टिमुलेशन थ्रू एसीटाइल्कोलिन होती है याद रखना है एसीटाइल्कोलिन के थ्रू गट ब्रेन स्टिमुलेशन फॉर मेंटेरिक प्लेक्सिस होती है इफ अ फूड बोलस गेट स्टक इन द मिडल थर्ड ऑफ द ड्यूरिंग सॉल्विंग बाय विच मैकेनिज्म विल इट बी पुश्ड डाउन टू स्टमक सेकेंडरी से कॉज बाय द मैंटेरिक प्लेक्सिस अब हमारे पास अगर कोई फूड आ, का बोलिस जो है वो स्टक कर गया है तो वो किस तरह से नीचे वापस मूव करेगा सेकेंडरी पैरस्टाइलिस की वजह से नीचे वो कहता है देर आर सम ट्रिकी एमसीक्यूज अब हम इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं कहता है कि डिसफेगियर टू द लिक्विड ओनली तो न्यूरो मस्, मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन हुई होगी जो हमारे पास मोस्टली होता है एक्लेजिया में एक्लेजिया में आपने याद रखना है हमेशा Uh, जो है लिक्विड्स की डिस्फेगिया पहले होता है और वो न्यूरोमस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है कि प्लेक्सिस पे प्रॉपर सिग्नल्स नहीं पहुंचा पा रहा फीमेल प्रेजेंटेड विद अ टू द लिक्विड्स फॉर द लास्ट मंथ लेनेंजोस्कोपी नॉर्मल हिस्ट्री ऑफ द ट्रैक द मोस्ट लाइकली कॉज इज लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन और जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पास कहाँ पे होती है एक में होती है नेक्स्ट पे कहते हैं फोर्टी ईयर

विच आर्टरी इस ब्लॉक याद रखना है कि ये हमारे पास पाइका के सिम्टम्स हैं याद रखना है कि हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी को क्या कहते हैं पाइका कहते हैं और उसके फ़ीचर्स में हमारे पास टोसिस हो जाता है मियोसिस हो जाता है एनहाइड्रोसिस हो जाता है और एनअेलमास हो जाता है अच्छे से याद कर लेना है ये बहुत दफा हमसी क्यों रिपीट होता है इसे याद रखें कि पाइका के जो हमारे पास हैं वो फ़ीचर्स हैं टोसिस होता है मीओसिस होता है एनहाइड्रोसिस होता है एनअफेलमोस होता है Secondary peristalsis of the esophagus is due to distension of the stomach. Next, a 58 year old man has had increasing difficulty in swallowing and has weight loss. Upper GI endoscopy reveal nearly circumferential mass with overlying ulceration in the mid esophageal region. Biopsy of the mass revealed pink polygonal cell with a marked hyperchromatism. एंड द प्रियोमार्फिज द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिस्क फैक्टर फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द डिजीज़ तो ये हमें कह रहा है कि क्रोनिकल्कोहलिजम है और अब हमारे पास कलकोल क्रोनिक अल्कोहलिज्म लीड करता है टुवर्ड तो सी ए कार्सिनोमा और इसमें हमारे पास सारे फीचर्स हैं कि वेट लॉस हो रहा है उसके पास और आ, जो है डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग हो रही है और जो हमारे पास वो ईसोफिकल एपिथीलियम है वो भी चेंज हुई हुई है मतलब उसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो चुका है तो ये हमारे पास कार्सिनोमा के फीचर्स हैं और क्रोनिक एल्कोहलिज्म जो है अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है तो लीड्स टूअर्ड्स कार्सिनोमा कर देगा ये अ 48 इयर ओल्ड मैन हैड अ ब्रेन स्टेम स्टोक फॉलोइंग अ वर्टिबल आर्टरी डाइसेक्शन ड्यू टू अ स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी दिस पेशर इनियस एम्बिक्वस जो है ये इन्वॉल्व होता है जहां पे हमारे पास वर्टिपल आर्टरी डाइसेक्शन हो जाता है और पेशेंट में डिसेगिया हो जाता है तो कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियस एम्बिक्वस ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर है इस पे आप सर्कल कर लें इस को यह आपने रे, रेपिटेशन में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है नेक्स्ट पे आते हैं एटी टू पॉइंट पे अब 82 पॉइंट में ये हमें कहता है कि म्यूकस एसेना आर प्रजेंटेड इन सब लिंगुअल ग्लैंड अब मैं आपको याद कराती हूँ कि एक है हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड एक होते हैं पेरोटेड ग्लैंड एक होते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड अब इन तीनों ग्लैंड में से ना एम जो है मिड में वो आ रहा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड में तो याद रखना है जिस ग्लैंड के मिड में एम आएगा वो मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड से बना होगा मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड का मतलब है बहुत सीरस होंगे और म्यूसिनस होंगे याद रखना है सब मैंडिबुलर में एम आ रहा है तो वो किस टाइप के ग्लैंड से बना हुआ है मिक्स से मिक्स में हमारे पास सीरस और म्यूसिनस दोनों आते हैं और पेरोटेड ग्लैंड जो होता है ये प्योर सीरस होता है और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ये प्योर म्यूसिनस होता है इस तरह से आपने इन्हें अच्छी तरह रटा लगा लेना है कि सब मैंडिकुलर ग्लैंड जो होता है मिक्स होता है पेरोटेड हमारे पास सीरस होता है और सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे पास प्योर म्यूसिनस होता है नीचे अब इससे रिलेटेड एम सी क्यों हिस्ट्रोलॉजिकल स्लाइड ऑफ ग्लैंड शोइंग द द म्यूकस विद सीरस अब सीरस हमारे पास याद रखना आपने कि इसमें म्यूसिनस और सीरस दोनों की बात कर रहा है तो मिक्सड ग्लैंड कौन सा था हमारे पास सब मैंडिबुलर ग्लैंड स्लाइड कैप ऑफ द हिस्टोलॉजी विच शो द दर्टन म्यूसिनस ग्लैंड एंड द फ्यू सीरस फिर इसमें दोनों टाइप ऑफ ग्लैंड आ रहे हैं तो ये हमारे पास सब मैंडिबुलर है सब मैंडिबुलर के दरम्यान में एम आता है दैट मीन ये मिक्सड ग्लैंड से बना होता है सीरस अब खाली सीरस की बात करेगा तो याद रखना है कि हमारे पास पेरोटेड ग्लैंड में होता है द न्यूक्र आर पुश टू द बेस याद रखें कि न्यूक्लियर इसके जो होते हैं वो पुश टू द बेस हुए होते हैं अ माइक्रोस्कोपिक सेक्शन ऑफ द ग्लैंड शोज अ लार्ज नंबर ऑफ द सीरस एस एन आई म्यूकस फिर अगेन ये दोनों है तो इसका आंसर हमेशा याद रखना सब मैंडिबुलर होगा नेक्स्ट फिर क्या कहते हैं कैप बाय द सीरस डेम्यूलोन्स अ नंबर ऑफ द इंट्रोलोबुलर एंड द इंट्रो

सर्व एज अटैचमेंट फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज म्यूसिन। अब याद रखना है कि जो हमारे पास लाइब्रेरी लैंड का कंपोनेंट है जिसमें न्यूमरस ओलीगोसेकर होते हैं ना और जो सर्व एज अटैचमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो होते हैं म्यूसिनस और जो सब लिंग है जुबान के नीचे होता है वो प्योर म्यूसिनस लैंड होता है और इसमें क्या होता है हमारे पास ओलीगोसेकर होते हैं जो अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं एटी थ्री पॉइंट अब एटी थ्री पॉइंट में कहता है कि सिनेरियो वायरल मार्कर नेगेटिव है उसके ए एल टी ऑन एग्जामिनेशन देयर वर सम आई फाइंडिंग्स वट इज़ द सूटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट तो सीरम सर प्लाजमिन जो है हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा अब बेसिकली इसमें वो बता रहा है कि ए एल टी डेस्ड है और आई फाइंडिंग्स हैं तो ये हमारे पास लेके जा रहा है हमें टूवर्ड विल्सन डिजीज और विल्सन डिजीज में हमारे पास जो है वो क्या होता है कि आयरन स्टोरेज ज्यादा हो जाता है तो सीरम सेरोप्लाजमिन लेवल को हम मैयर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे कहता है कि नॉर्मली द कॉपर इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टेकन इनटू टू द लिवर वेयर इट इज स्टोर्ड एंड इनकॉपरेटेड इन द सीरोप्लाजमिन अब अगेन हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं इसमें क्या क्या कहता है कॉपर इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से कॉपर एब्जॉर्ब होती है आगे लीवर तक जाती है जहाँ पे वो स्टोर होती है और इनकॉर्पोरेट होती है इनटू टू सीरो प्लाजमिन अब इन विल्सन डिजीज क्या होता है कि कॉपर इनकॉर्पोरेशन इंटू दीरो प्लाजमिन हो जाती है इट्स एक्सक्रीशन इनटू द बाइल आर इम्पेयर रिजल्टिंग इन कॉपर अकामोलेशन इन द लिवर और लिवर में हमारे पास कैसे हो रही होती है सीरो प्लाजमिन की फॉर्म में हो रही होती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये अब हमारे पास आगे विल्सन डिजीज के फीचर्स बता रहा है इसमें कहते हैं लिवर में हेपेटाइटिस हो जाता है साथ में कहते हैं फल्मिनेंट हेपेटिक है, फेलियर हो जाता है इसमें और माइक्रोनोडुलर सिरोसिस हो जाता है और आइज़ की बात करें तो उसमें केसर फ्लैशर रिंग्स पर केसर फिशर रिंग्स बन जाते हैं और ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द कॉर्निया हो जाती है केसर फ्लैशर रिंग्स बनने की वजह से नेक्स्ट uh, पे कहते हैं सी एन एस में ट्रेमर्स हो जाते हैं और पार्किंसनिज्म हो जाता है ये सारे हमारे पास फ़ीचर्स हैं विल्सन डिजीज़ के डायग्नोसिस में डिक्रीज सीरियलो प्लाज्म लेवल हो जाते हैं इंक्रीज यूरिनी एक्सक्रीशन ऑफ द कॉपर हो जाती है और लिवर बायोप्सी अगर हम देखें तो इसका जो सबसे बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो लिवर बायोप्सी होती है आ, हमारे पास विल्सन डिजीज़ के लिए अब हम अच्छे से विल्सन डिजीज़ को यहाँ याद कर लेंगे फिर नीचे वाले टेबल हमारे से इसीलिए हो जाएंगे इन विल्सन डिजीज़ इंक्रीज़ हो जाता है कॉपर विल्सन डिजीज़ डायग्नोस्टिक फीचर जो है ये हमारे पास केसर फ्लैश फेशर रिंग्स हो जाते हैं इन आई में विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अगर इन द विल्सन डिजीज डिक्रीज हो जाता है सीरो प्लाज्मिन लेवल नेक्स्ट पे कहते हैं विच विल्सन डिजीज कैन डायग्नोज बाय द सीरम सीरोलो प्लाज्मिन लेवल जो हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं A 22-year-old male had mild jaundice. His alanine trans uh, aminase was raised slightly. Serology tests for the viral hepatitis were negative. Examination of the eye revealed some abnormality. Immunological tests were not confirmatory. The most useful investigation in this could be serioloplasmic levels. अब बेसिकली इसमें लिवर प्रॉब्लम बता रहा है कि लिवर से रिलेटेड कोई मसला हुआ हुआ है और साथ में बता रहा है कि आई रिलेटेड मसला भी आ रहा है उसे यहाँ पे अभी उसने मैंशन किया था वायरल हाइपर नेगेटिव एग्जामिनेशन आई रिवील एबनॉर्मेलिटीज आईज में भी एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो हम क्या कराएंगे सीरो प्लाज्मा लेवल कराएंगे क्योंकि इस सिनेरियो के रिलेटेड ये हमें विल्सन डिजीज लग रही है इन विल्सन डिजीज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड यूजफुल इन्वेस्टिगेशन वुड बी लिवर बायोपसी हमारे पास मैंने पहले भी बताया जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है लिवर बायोपसी नॉट बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज सीरियोलो प्लाजमिन वायल द मोस्ट एक्यूरेट एंड यूजफुल इज द लिवर बायोपसी इनिशियल टेस्ट जो होता है वो हमारे पास सीरी प्लाजमिन का होता है लेकिन अगर मोस्ट एक्यूरेट की बात करेगा तो वो हमारे पास कौन सी होती है लिवर बायोपसी अब नीचे एटी पॉइंट्स पे भी वो हमारे पास लीवर को एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन वो इसके लिए कोई टेबल नहीं दे रहा वो एम फॉर्म में ही इसमें लीवर के एम को एक्सप्लेन कर रहा है तो हम इन्हें अच्छी तरह पढ़ लेते हैं इसमें कहता है एच पी सेकेंड ट्राइमेस्टर फॉर फॉर्म फ्रॉम लीवर अब जो हमारे पास एच पी है ना वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कहाँ से बनती है लीवर से बनती है अब याद रखना है एच पी क्या बेसिकली ब्लड है तो ब्लड जो है हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में कहाँ से बनेगा लीवर से डैमेज एंड रीजनरेशन बाय हपैटोसाइट अब जो लीवर के रीजनरेटिव सेल होते हैं वो हपैटोसाइट होते हैं तो कहते हैं लीवर डैमेज और देन रीजनरेसन कौन कराते हैं hepatocyte होते हैं ये लीवर जो है रीजनरेटिव सेल्स होते हैं लिवर रिसेक्टेड इन